एक मिनट जस्ट मिनट, देर इज ए क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन। का कहना है कि हम पहली दूसरी कक्षा में हैं, आप हमको इतना इतना गिन रहे हैं। हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक दिल्ली में सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है और उसका प्रोसेस हमने कल काफ़ी कंप्लीट कर लिया और मुझे लगता है कि हम पूरा 70 सीटों पे नॉमिनेशन कल से शुरू करेंगे और पिछले आने वाले 2-3 दिन में सब नॉमिनेशन हम सैटरडे तक कर देंगे। तो क्या सर आपकी पार्टी का किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? हमारी पार्टी जो दिल्ली में इश्यूज हैं उनको भी हम ले रहे हैं। इश्यूज में दिल्ली में जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, किसी भी पब्लिक ऑफिसेज में, पॉलिटिकल पोजीशंस में, किसी में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज और उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन, उनका रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हमारे जो हक अधिकार है वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा अपना उसमें से होना चाहिए, इसलिए हम लोग मूल निवासी बहुजन जो विचार है उसको दिल्ली में फैलाना चाहते हैं और दिल्ली में उसकी एक सरकार बनाना चाहते हैं। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कह रहे हैं कि उन्होंने बिजली पानी और ट्रैवलिंग में महिलाओं को मुफ्त जो है वो दे रहे हैं चीजें, तो उसको लेकर क्या राय है, किस तरीके से? जो केजरीवाल की सरकार है उन्होंने जो काम किए, जब उनकी सरकार आई तब बिजली सस्ती हुई और अब सरकार जाने वाली है तो 8-7 महीने से अभी भी बिजली सस्ती है और पानी का रेट मुझे लगता है पहले तो बहुत कम था, अब पानी का रेट बहुत ज़्यादा है। अभी 8-7 महीने को अगर आप माइनस करते हैं तो बिजली पानी पे भी ऐसा कोई पॉजिटिव उसका वो नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन किया। जहाँ तक हम अपना विचार जो समझते हैं, हमारे हिसाब से बिजली पानी अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रेट होना चाहिए उसका पे करना चाहिए। तो हम इस तरह का कोई सिस्टम नहीं डेवलप करना चाहते। हमारे यहाँ जो हमारे संस्था होती है उसमें जो भी आदमी पार्टिसिपेट करता है, अगर वो खाना खाता है तो हम उसका पैसा लेते हैं। हमारे यहाँ फ्री का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये फ्री शिप वाला काम जो है उसके हम पक्षधर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे इशूज हैं जैसे सर्विसेज का, रिक्रूटमेंट का सवाल आप देखेंगे तो दिल्ली में इस पीरियड में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुए हैं। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी पोस्टें उन्होंने क्रिएट की जिसमें 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलती है लेकिन उसमें एक भी कोई हमारा आदमी नहीं है हमारी नॉलेज में। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई कर्मचारी और जो दूसरी नौकरियां हैं उनमें जो लोग भर्ती हुए हैं उनको बहुत मीगर सैलरी मिलती है। हमारी ये डिमांड रही हमेशा से कि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, उसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर 89 डेज से ज़्यादा कोई भी पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए रेगुलर रिक्रूटमेंट होना चाहिए और उसमें प्रॉपर रिजर्वेशन मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी और बैकवर्ड क्लासेज को भी। क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल कई बार अपने मंचों पर बाबा साहब का नाम लेते हैं तो क्या वो बाबा साहब की विचारधारा पे काम नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब की विचारधारा पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाबा साहब की विचारधारा पे अगर वो काम करते तो जिस लेसन को वो कह रहे हैं, हमने बाबा साहब का लेसन अगले साल में रखना है, जब वो 5 साल उन्होंने रूल किया तो वो लास्ट वाले साल में लागू कर देते उसको, अगली सरकार के पीरियड में वो लागू होगा। अब वो अगली सरकार उसकी आएगी नहीं आएगी वो एक अलग इशू है। तो ये बाबा साहब का जो भी संवैधानिक सोच थी उसके हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया। वो सेंट्रल स्टेट कन्फ्लिक्ट उसने हमेशा बना के रखा। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और हम दिल्ली को यूनियन टेरिटरी देखना चाहते हैं, हम दिल्ली को स्टेट बनाने के पक्ष में भी नहीं है क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसकी अपनी अहमियत है और उसकी अपनी लिमिटेशन है।
यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट होने की वजह से ये स्टेट नहीं हो सकता। बीजेपी पूरे पीरियड में कहती रही कि ये पूरा स्टेट होना चाहिए और वो अब 5 साल अब उन्होंने रूल किया, पहले भी उन्होंने 6 साल रूल किया, उन्होंने पूरा स्टेट नहीं बनाया। इसलिए हम अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते, ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ही होनी चाहिए। एक मिनट जो बाबा साहब के संबंध में केजरीवाल की जो बात आपने कही थी, जो भी आइकॉन्स रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, और ये जो केजरीवाल है इसका तो आइकॉन्स तो महाराष्ट्र का जो क्या नाम है, अन्ना हजारे ही रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इनके जितने भी आइकॉन्स रहे हैं वो फेल पड़े हैं। अभी किसी का भी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या ये तुम्हारा केजरीवाल हो, बाबा साहब का नाम लिए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये लोग इतने बाबा साहब के प्रति अगर वफादार होते तो इतना 60-70 साल लगते, और इसको अभी इसको पता चला कि बाबा साहब का लेसन लगाना चाहिए। तो ये बाबा साहब का नाम जनता में इतना फैला दिया, किसने फैलाया? बाबा साहब का नाम जनता में घर घर फैलाने का काम हम लोगों ने किया, और जिसकी वजह से आज बाबा साहब इस देश का डार्लिंग बना है। तो जो बाबा साहब इस देश का डार्लिंग बना है, जो कॉइन हमारा था, जो आइकॉन हमारा है, उसको वो छीनना चाहते हैं। और ये हमारी लड़ाई है कि हमारा आइकॉन, हमारी लड़ाई हम उनको आसानी से नहीं छीनने देंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि उनको बाबा साहब से कुछ भी लेना देना नहीं है, बाबा साहब के फॉलोअर्स के वोट लेना है। और बाबा साहब के फॉलोअर्स के वोट जो है, हम उन्हें किसी भी हालत में नहीं पहुंचा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, जब जनता को सब कुछ फ्री मिल रहा है, हाँ, तो वो ऐसी सरकार क्यों चुनेंगे, वो ऐसी सरकार को वोट क्यों देंगे जो फ्री नहीं देगी, उनकी कटौती करेगी? अच्छा, ये भी बताते हैं आप मुझे। देखिए, जो भी फ्री मिलता है, आफ्टर ऑल ऐसी कौन सी चीज है इंडिया में जो फ्री मिलती है? आप लोग मुझे बताना। मैं अब इंटरव्यू होने के बाद, मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं, हवा है ना, हवा कितनी है, एबेंडेंट है यार, लेकिन फ्री में नहीं मिलती। अभी ये रास्ते में आए ना हम, तो गंदगी होती है, धुआं होता है, तो एयर कंडीशन लगाना पड़ता है गाड़ी में। तो जो हवा इतनी एबेंडेंट है वो फ्री में नहीं मिलती, तो ये केजरीवाल कहां से फ्री में दे रहा है, कहां से दे रहा है फ्री में? नथिंग इज फ्री, You have to pay for it. लेकिन जनता नहीं समझ रही ना सर। हाँ, जनता को समझाने का काम हमारा और आपका है, जो आप नहीं कर रहे हो। आज प्रेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता को ये समझाना होगा और उसकी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इतना महंगा भी नहीं होता चीजें, लेकिन इस देश में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो जो पैसा एक्चुअली लोगों को उनकी इम्यूनिटीज पहुंचाने के लिए, वो वाटर हो, बिजली हो, उसके लिए जितना रीजनेबल रेट से पहुंचाने के लिए जितना पैसा लगता है, उससे ज़्यादा पैसा वो करप्ट प्रैक्टिसेस में जाता है। एंड राजीव गांधी, ही इज ऑन रिकॉर्ड इन 1985, उसने कहा कि 1 रुपया जब हम स्कीम्स के ऊपर लगाते हैं तो लास्ट आदमी को सिर्फ 15 पैसा मिलता है। ये जिस देश में स्थिति है, आफ्टर ऑल हु आर करप्ट, हम तो नौकरियां हमको मिली नहीं, हम सरकार में भी है नहीं, तो क्या जनता के हम लोग, हम करप्ट है या जो सत्ता में है वो करप्ट है, और सत्ता में जो उन्होंने जिनको नौकरियां दिया वो करप्ट है, जो मतलब 1 रुपये से 85 पैसा मतलब खा रहे हैं? अगर वो हम नहीं खाने देते तो जनता को रीजनेबल रेट से उनकी सुविधाएं दी जा सकती है। क्या लगता सर आपको, ऐसी बात करके क्या आप चुनाव जीत सकते हैं, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे, जो और बड़ी पार्टियां हिंदू मुस्लिम एनआरसी सीए, उन मुद्दों पे? वो राष्ट्रीय मुद्दे है या ये राष्ट्रीय मुद्दे है? जनता के कल्याण के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, या वो जो ढकोसले दे रहे हैं
वो राष्ट्रीय मुद्दे है। आज आज आप तो जीत रही है पार्टियां, पार्टियां चुनाव तो जीत रही है ना। अरे पार्टियां चुनाव में जीत रही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो। जनता आपको वोट क्यों दे ये बताइए। हाँ तो जनता, क्योंकि हम जनता हमें वोट इसलिए दे कि जनता के लिए ये जो भी चीजें हैं उनकी जो सुविधाएं हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो उनको मिलना चाहिए वो हम पहुँचाएंगे। अब वो देखिए, आपके ऊपर मैं विश्वास क्यों करूं? आप जो बोल रहे हैं ना जनता हमारे ऊपर विश्वास, विश्वास का जो मामला है ये एक प्रोसेस है। अरे बीबी जिस दिन घर में आती है ना शादी होके, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है क्या? दूसरे घर से लड़की आती है, विश्वास की जो प्रक्रिया है इट इज आफ्टर इट टेक्स इट्स ओन ड्यूरेशन, उसमें विश्वास पैदा होता है। तो हम समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं, और अगर वो इस बात को नहीं समझती जनता और जो उनके साथ पिछले 70 साल से हो रहा है अगर वैसा ही जीना चाहते हैं उसमें हम यही बात करती है जो आप कर रहे हैं। हाँ 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 किस किस पे भरोसा करें चलते? ये मैं बताता हूँ। मेरा ख्याल है एट ए टाइम मैं दो सवालों के जवाब दे सकता हूँ। नो नो देयर इज ऑलरेडी ए क्वेश्चन बिफोर यू, नो इट्स ओके, सो आई विल आंसर बोथ बट वन आफ्टर द अदर। मेरा ख्याल ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका ये कहना है कि सारी पार्टियां ऐसी कहती है, ये है ना उनका कहना। एक पार्टी 70 साल से इस देश में राज कर रही है, दूसरी पार्टी 5 साल से कर रही है, तीसरी पार्टी 10 साल से कह रही है, और अभी हम कह रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टी 70 साल से कह रही है और किया नहीं, जो पार्टी 10 साल से बोल रही है उसने किया नहीं, 2 साल पार्टी 5 साल से बोल रही उसने किया नहीं, जब तो आपको ट्रस्ट किसके ऊपर करना चाहिए? जिन्होंने नहीं किया उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, या जो नई पार्टी आई और एस्पिरेशंस आपकी बढ़ा रही और करके दिखाएंगे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? जिन्होंने नहीं किया क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या जरूरी है कि एक मिनट जस्ट मिनट देयर इज ए क्वेश्चन अवर क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट इज द मैनिफेस्टो इन दिल्ली इलेक्शन? डॉक्टर साहब आप मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे? हां वी विल रिलीज मैनिफेस्टो। इज रिलीज ऑन अनदर डे? No, separate day we will. एक मिनट क्या ये जरूरी है कि आपके 70 कैंडिडेट खड़े होंगे, या ये जरूरी है कि उनमें से जीतेंगे, और जीतेंगे तो कितने जीतेंगे? जीत जरूरी है या कैंडिडेट जरूरी है? आप ये देखिए, ऐसी कौन सी पार्टी है इंडिया में कि जो हारने के लिए लड़ती है? ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो कॉलेज में फेल होने के लिए जाता है, परीक्षा देने के लिए जाता है? ऐसा है कोई? आप में भी, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, एवरी पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए फील्ड में आती है, एवरी स्टूडेंट कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पास होने के लिए जाता है। वी आर देयर इन द फील्ड टू विन द इलेक्शन। आपकी ग्रेजुएशन कैसे पास होगी? आप यानी कि जीतेंगे कैसे आप? हम क्या बिना पढ़ाई से ही जीतते हैं क्या? बिना तैयारी से जीतते हैं क्या? हम पूरे तैयारी से उतर रहे? अगर एक स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहा है तो क्या बिना तैयारी से जाता है? जब हम जब इलेक्शन में उतर रहे हैं तो क्या बिना तैयारी से उतर रहे हैं? दूसरी तीसरी पांचवी क्लास पास करने के बाद सीए बीए 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 फाइनल पे कैसे पहुंच जाएंगे आप? आपका कहना है कि हम पहली दूसरी कक्षा में हैं? आप हमको इतना गिन रहे हैं? कितनी सीटें ले आए सर अभी तक आप? अरे हम कितनी सीटें ले आए ये मामला नहीं, मामला ये है कि उस जनता को उनके अधिकार देने के लिए उसमें कितना उनको जागरूक किए ताकि उनके अल्टीमेट राइट्स उनको मिले। सर आपसे एक सवाल है, एक मिनट सर पूरे देश में उतर पुतल है सीए और एनआरसी को लेकर, क्या आप भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली चुनाव में उतरेंगे? मतलब मुखालफत करते हैं या नहीं आप इसके पक्ष में या इसके खिलाफ में? आपकी दर्जा नहीं, हम जो CAA का जो मुद्दा है उस पे हमारा डिफरेंट स्टैंड है। हमारा स्टैंड ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका रिलीजन बेसिस नहीं हो सकता, लेकिन उस अमेंडमेंट की ज़रूरत है। हमारा ये इशू नहीं है कि वो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो जो लोग सिटीजन्स हैं उनका धर्म देख के आप सिटीजनशिप नहीं दे सकते।
तो इसलिए रीड डाउन करने के लिए उसके लिए हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं और एक दो दिन में हमारी पिटीशन फाइल होने वाली है, तो उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम अलग से चैलेंज करेंगे। और एनआरसी का जहां तक सवाल है, हम ऐसा समझते हैं कि एनआरसी जो है वो यहां होने वाली नहीं है और ये केवल हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए एनआरसी का इशू उठा रहे हैं ताकि उनको गुमराह करके और उनको मिसडायरेक्ट कर सकें। जो एनआरसी का इशू है आसाम में हुआ, उस एनआरसी को करने के लिए 1985 में एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट यूनियन, अब वो 2019 में एनआरसी हुई है और उसमें जो 19 लाख लोग हैं उसमें ज़्यादा जो नंबर है वो नॉन मुस्लिम का है। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन से जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए है वो, और वो एक फैक्ट है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा नंबर है। दूसरा जो दिखा रहे हैं जैसे राष्ट्रपति रहा उसकी फैमिली का एनआरसी नहीं हुआ, मैं ऐसा समझता हूँ मेरी जो जानकारी है उसके आधार पे उनकी फैमिली का कोई आदमी वहाँ नहीं रहता है। अगर किसी ने एनआरसी के लिए वेरिफिकेशन ही नहीं कराया तो उनका उस लिस्ट में नाम कैसे आएगा। लेकिन सर एक कैप्टन तो गया है ना, उसे तो नहीं बुला सकते सर। क्या जो कैप्टन थे आर्मी में वो डिटेंशन सेंटर में थे, सरकार ने कहा कि गलती से ये तो गलती तो हो सकती है, गलती तो कहीं भी हो सकती है, सरकार ने माना ना गलती हुई है। लेकिन सर एक चुनाव को लेकर सर आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास पूरे संसाधन है और आपके अभी नई पार्टी है, अब इतने चुनाव भी नहीं लड़ी है, तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे सर? हम लोग जो मुकाबला उनका करेंगे हम अपनी जो भी लिमिटेड रिसोर्स है उसके तहत ही करेंगे। अभी भी हमने जो चुनाव लड़े हैं तो वहाँ हमने कोई ऐसा अनाप शनाप पैसा खर्चा नहीं किया है। हमारे लोग 50,000 एक लाख में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और उसी में लड़ेंगे और उसी में जीत के भी दिखाएंगे हम। ये ऐसा नहीं है कि ये जो पैसे का जो सिस्टम है, ये पैसे का प्रेवलेंस क्यों हुआ? क्योंकि जो हम लोगों में से भी कुछ लोग जो पार्टी चलाने लगे उन्होंने भी पैसे को ही अहमियत दी, जिसकी वजह से जो हमारे हक अधिकार हैं वो नहीं सुरक्षित रह पाए और हमारे जो लोग हैं उनका फेथ उनमें नहीं रहा। इसलिए ये जो पार्टी है ये एक सोशल मूवमेंट से हमने खड़ी की है, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ होंगे और हम मिनिमम संसाधन में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर जैसे आपने अभी विचारधारा की बात करी कि मूल निवासी बोला, हाँ जी, तो कई सारी पार्टियां ऐसी दिल्ली में हैं जो उतर रही हैं इस विचारधारा को लेते, क्या आपका उनसे कोई अलायंस होगा या कोई गठबंधन? नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा, अभी हम कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम वो भी बताएंगे कहाँ जीतने वाले हैं। कहाँ कहाँ से खड़े कर रहे हैं? हम कैंडिडेट की लिस्ट देंगे आपको। सर क्या ये जो दौर है, ये जो चुनाव है दिल्ली चुनाव, हाँ, क्या ये मुख्य रूप से अम्बेडकर के नाम से चुनाव होने जा रहा है? नहीं, हम संविधान जो है उसके प्रिंसिपल्स को लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया लेकिन उन संविधान के प्रिंसिपल्स को नहीं माना जा रहा और वो केवल बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनको संविधान के प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है। अभी आज ही हम केस करके आए हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी शासन है, उन्होंने कहा हम रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं देंगे। रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए चार अमेंडमेंट हुए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन 77th अमेंडमेंट एक्ट 95 में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में हुआ। ये तीन अमेंडमेंट बीजेपी के पीरियड में हुए, 81st, 82nd और 85th, और आज उन्होंने कोर्ट में कहा हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। एक उसमें और भी इशू है कि डाटा कलेक्ट करने का, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली डाटा कलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, हमने आर्ग्यू किया वो, लेकिन डाटा भी वहाँ जो डाटा अवेलेबल है उसके तहत जितना होना चाहिए उसका तकरीबन आधा रिप्रेजेंटेशन है, तो वो संविधान को नहीं मानते हैं।
और उनका जो भी केजरीवाल के पीरियड में आप दिल्ली में देखेंगे, रिजर्वेशन प्रमोशन को पूरा नकारा गया और रिजर्वेशन से कोई पोस्ट नहीं भरी गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिल्ली में 98 के बाद रिजर्वेशन अफेक्टेड है और 98 से अभी तक 2 महीने 4 महीने चालू होता है, फिर वो बंद हो जाता है। हम एक जज से भी जीते, दो जज से भी जीते, सुप्रीम कोर्ट से भी जीते, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से भी जीते, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो रहा। इसलिए वो समाधान तभी होगा जब हम पावर में आएंगे, अदरवाइज वो गाजर मूली की तरह हमें कुछ दिखाते रहेंगे लेकिन हमें देंगे कुछ नहीं। सर, ईवीएम का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, पिछले लंबे समय से विरोध हो रहा है, तो दिल्ली चुनाव में ईवीएम को लेकर के क्या? नहीं, हम ईवीएम के पक्षधर नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि ईवीएम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, लेकिन उसके लिए जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब हम उसके ऊपर पब्लिक स्टैंड लेंगे। सर, दिल्ली की जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करे, क्यों आपको वोट दे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिल्ली की जो जनता है वो इसलिए हमारे ऊपर विश्वास करे क्योंकि हम दिल्ली में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारा पब्लिक में रिफ्लेक्ट होता है। जो भी इश्यूज, सोशल इश्यूज हुए हैं उन सब पे हमने स्टैंड लिया है और वो जो स्टैंड लिया है वो हमारा जो भी सोशल कमिटमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो हम दिल्ली में और पूरे देश में हम अपना सोशल रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करते हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, पीपीआईडी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? नहीं, ये हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। जब जो चुन के आएंगे तब वो एमएलए डिसाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नरेला से सुरेश कुमार जी हैं, बुराड़ी से सुनीता एन कुमार जी हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये नरेला से हैं, और तिमारपुर से हेमराज जी हैं, बादली से विपिन मेहरा हैं, बवाना से राधेश्याम हैं, सुल्तानपुर माजरा से एडवोकेट जतिराम हैं, नांगलोई जाट से सरोज बाला हैं और सकूर बस्ती से कमल किशोर जी हैं, वजीरपुर से कमल किशोर जी हैं और मॉडल टाउन से सुंदरलाल हैं, सदर बाजार से एडवोकेट हमसा हैं, मोहम्मद हमसा, मटिया महल से राम गोपाल सागर जी हैं और करोल बाग से नरेंद्र कुमार जी हैं, राजौरी गार्डन से बिशन कुमार हैं, तिलक नगर से पूनम उज्जैनवाल हैं और विकासपुरी से सुधीर कुमार हैं, उत्तम नगर से विजय कुमार हैं, नजफगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र हैं, बिजवासन से मिस्टर वीपी सिंह हैं, न्यू दिल्ली से डॉक्टर एमएस चूड़ियाना हैं, कस्तूरबा नगर से डॉक्टर संजय हिंगोले हैं, छतरपुर से मिस्टर रमेश पारचा हैं, देवली से मिस्टर विनोद कुमार हैं, डॉक्टर अंबेडकर नगर से डॉक्टर एमएस चूड़ियाना हैं, तुगलकाबाद से मिस्टर संजय हिंगोले हैं और बदरपुर से प्रकाश यादव हैं, ओखला से डॉक्टर इरशाद अहमद हैं, त्रिलोकपुरी से मिस्टर मुकेश कुमार हैं, कोंडली से डॉक्टर मुकेश बालाजी हैं, पटपड़गंज से एडवोकेट बाबूराम जी हैं और विश्वास नगर से सरनजीत सिंह जी हैं, कृष्णा नगर से जगजीत सिंह जी हैं, गांधी नगर से मिस्टर चंद्रमोहन एडवोकेट हैं, सादरा से मिस्टर आर के सिंह हैं, सीमापुरी से अजेश महोर हैं, रोहतास नगर से देवेंद्र कुमार हैं, सीलमपुर से मिस्टर शहबाद हैं, गोंडा से मिस्टर केपी रंगारी हैं, बाबरपुर से मिस्टर कलीराम हैं, गोकलपुर से पुष्पा सिंह हैं, मुस्तफाबाद से विशाल मकवाना हैं और करावल नगर से साजदा हैं, ये भी एडवोकेट हैं। और बाकी अभी हमारा असल में वो पेपर कोर्ट में छूट गया, पूरे कितने नंबर से? नहीं, पूरा 70 है लेकिन वो दूसरा पेपर हमारा छूट गया, तो कल रात वाला पेपर हमारी गाड़ी में था उससे हमने बताया।